आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थाना मलपुरा इटोरा में आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर दो ट्रक आग का गोला बन गए। ट्रकों में लगी आग की भेंट तीन बाइक भी चढ़ गई। आग से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। फर्राटा भर रहे वाहनों की रफ्तार थम गई। बड़ी बात ये रही, जनहानि बच गई। दो ट्रक में टक्कर, आग का गोला बने ट्रक, तीन बाइक भी चढ़ गई आग की भेंट, हाईवे पर आग ही आग। सबसे पहले आप इस मंजर को देखिए, ये आग का मंजर भयानक मंजर है, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का उठता गुबार किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जिसने भी इस मंजर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हाईवे पर ऐसी आग जिसने अफरा तफरी मचा दी। दरअसल आग का यह मंजर आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे थाना मलपुरा इटौरा का है। एक ट्रक जो कि गाजियाबाद से इंदौर जा रहा था, पंप से डीजल लेकर निकला। जैसे ही हाईवे पर चढ़ा, पीछे से आते ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जैसे ही टक्कर मारी, आग लग गई। ऐसी आग जिसने अफरा तफरी मचा दी। दोनों ही ट्रकों के ड्राइवरों और क्लीनर ने कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक और सामान को नहीं बचा सके। ढाबा संचालक कहता है कि जिस तरीके से आग लगी उसने दहशत पैदा कर दी। ढाबे पर कई लोग बैठे थे लेकिन बच गए। जिस समय हादसा हुआ उससे कुछ समय पहले ही ढाबे के कारीगर भी वहीं बैठे थे, लेकिन ग्राहक आने के चलते जैसे ही अंदर गए हादसा हो गया। ये गाजियाबाद से आए थे लोड करके, प्लाईवुड लगा हुआ था इंदौर का, इंदौर जा रहे थे। यहाँ से डीजल डला के हम निकले थे इस रोड पे से, अपनी साइड से चल रहे थे। पीछे से गाड़ी आई बहुत स्पीड से, अचानक पीछे से दूसरी गाड़ी आई थी जो कि इसने अपने पीछे से टक्कर मारी है। तो अपनी गाड़ी तो इस साइड डिवाइडर तोड़ के इधर हो गई, वो गाड़ी वहीं खड़ी रह गई, उसकी डीजल टंकी फट गई, डीजल फैल गया पूरा का पूरा। और उसमें सबसे पहले उसी में आग लगी थी। ये गाड़ी तो बहुत दूर थी अपनी, तो नीचे पूरे आग पकड़ ली टायरों ने, फिर इसमें भी लग गई साथ में जी। हाँ, हम तो मेरे साथ एक लड़का और था, वो तो कूद गया, मैं भी कूद गया था। उस गाड़ी के स्टाफ की पता नहीं चल पाई, वो भाग गया के कूद गया, क्या हुआ उसकी नहीं पता चल पाई। हाँ, पीछे से आगे वो लगा था गाड़ी में, उसमें प्लास्टिक दाना था, प्लास्टिक की कतरन छोटी छोटी जी। हुआ था कि ये गाड़ी, एक गाड़ी पेट्रोल भर के जा रही थी डीजल, वो साइड में लिया, पीछे से हाईवे से गाड़ी आ रही थी दूसरी, उसने टक्कर मार दी। उसमें पिलाई भरी थी और उसके बाद हादसा हो गया। यहाँ पे आग लगी थी तुरंत ही उसके बाद। हाँ, बहुत तेज आग। बाइक ऐसा होता जो होटल पर हमारे पास खाना खाने के लिए आए थे, तो इनकी बाइक रखी थी यहाँ पे, इस चक्कर से इनमें आग लग गई। हाँ, नहीं वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, घबरा गई थी हम, आवाज़ तेज हुई थी, हमारे जो बोर्ड फोर से लाइट वाइट सब नुकसान हमारा हो गया था, हम अंदर की तरफ चले गए थे, ये हुआ था। हाँ, रास्ते रास्ते रुक गई थी सर, पुलिस भी आ गई थी, बाद में पुलिस आई थी। हादसे में जहाँ दो ट्रक आग की भीड़ चढ़ गए, वहीं तीन बाइक भी आग की भेंट चढ़ गई। ट्रक का पुर्जा पुर्जा अलग हो गया, दो बाइक तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। बाइक चालक कहते हैं कि वे खाना खाने के लिए ढाबे के अंदर गए, पीछे से हादसा हो गया। नायक करके आ रहे थे हम रात, तो हम खाना खाने के लिए रुक गए थे, मैंने खाना खा चले। ये 12 बजे की घटना है। कितने ट्रकों में भिड़ंत हुई? दो में। फिर क्या हुआ? पीछे वाले ट्रक ने ओवरकट किया था, आगे वाला वैसे भी चला गया था बेचारा, और पहले पीछे वाले में आग लगी, फिर आगे वाले में लग गई, और फिर हमारी बाइक में भी लग गई। कितनी बाइकों में आग लगी? तीन बाइक थी हमारी। किसी प्रकार की हताहती हुई है क्या? कोई इसकी चपेट में आया है क्या? हमें इतना तो पता नहीं है, ड्राइवर गाड़ी ट्रक वाले, ट्रक ड्राइवर था, उसकी पता नहीं है कि आया है कि नहीं आया है, तो वो बचा है कि नहीं बचा भैया इतने हादसे से। क्या माहौल था यहाँ पे? इतना माहौल था कि एक संग आग लगी, एक सेकंड की भी वो नहीं थी टाइम, एक सेकंड की नहीं मिली थी कि एक सेकंड की टाइम मिल जाए तो बाइकों को उठा ले हम। फायर ब्रिगेड आई थी वो पानी वाली, वो भी आई थी, कम से कम 10-12 गाड़ी आई थी, उन्होंने आग में काबू किया था। मौके पर दमकल पहुंच गई, कड़ी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ी। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल था, वाहनों की रफ्तार
हाईवे पर थम चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया, लेकिन तब तक ट्रक और ट्रक में रखा सामान जलकर राख में बदल चुका था। आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों में टक्कर होती है और दोनों ट्रक धुधुखर जल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वो ट्रक हैं जो आग की भेंट चढ़ गए। ट्रक का एक एक हिस्सा अलग हो गया। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। ऐसा बताया गया है कि एक ट्रक जिसमें प्लाईवुड लदा हुआ था गाजियाबाद से आ रहा था, इंदौर जा रहा था, पेट्रोल पंप से डीजल भराकर जैसे ही निकला हाईवे पर आया, पीछे से प्लास्टिक दाने से लदे ट्रक ने टक्कर मारी। सबसे पहले उस ट्रक में आग लगी और जैसे ही आग फैली प्लाईवुड लदे ट्रक में भी आग लग गई। तीन बाइक भी आग की भेंट चढ़ गई। समय रहते ट्रक ड्राइवरों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इसके अलावा ढाबे पर मौजूद लोगों की भी जान बच गई। तीन बाइक जो कि ढाबे पर खड़ी थी वो भी आग की भेंट चढ़ गई। बड़ा हादसा टल गया, इसलिए टला हुआ माना जा सकता है क्योंकि जान किसी की नहीं गई, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उससे जान भी जा सकती थी। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे से राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।